हम भी तो मंडी जा रहे हैं, अनाज मंडी जा रहे हैं जी। दिल्ली में हम लोग को पता ही नहीं है जो कहाँ काम करे, या कोई हम लोग का नया ठिकाना नहीं है दिल्ली में, इसलिए पंजाब में ठिकाना है। मन में तो सब कुछ जानते हैं जो कोरोना का लहर चल रहा है, लेकिन मजबूरी तो ले जा रहा है ना। देश के कई शहरों में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते बाजारों में भी अब सन्नाटा पसरने लगा है। मजदूरों में, लोगों में भी एक डर बैठ गया है। कुछ लोग अपने घरों को वापस जाना शुरू कर दिए हैं, तो कुछ काम की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर जो ये आप अपना सामान लेकर जो लोग पहुँचे हैं, ये बिहार के सहरसा से आए हैं, पंजाब जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, मिनी से बात करते हैं। आप लोग भैया पंजाब जा रहे हैं या दिल्ली कैसे पहुंच गए, पंजाब क्यों जा रहे हैं? पंजाब मंडी जा रहे हैं। मंडी में क्या है? गेहूं का सीजन है ना, इसलिए जा रहे हैं। अनाज मंडी लुधियाना शहर। तो क्या हर साल मतलब इस समय आप लोग पंजाब चले जाते हैं? हाँ, हर एक साल से गेहूं मंडी और धान मंडी दोनों मंडी। यहाँ दिल्ली क्यों आए? क्योंकि आप जब अगर बिहार से आ रहे हैं तो पंजाब तो सीधा जा सकते हैं। तो बस यहाँ तक आए तो हम कहाँ जाते, बस यहाँ हमको उतारा बोला बस दूसरी बस पकड़ना है, तो दूसरी बस यहाँ आई नहीं है तो हम कैसे जाते, आती तभी तो जाते हैं। कितने दिन हो गए आप लोगों को चले? 10 तारीख को चले हैं, 10 तारीख को, 10 अप्रैल को। तो क्या वहाँ से बोलकर चले थे कि ये लोग दिल्ली लेकर जा रहे हैं पहले? नहीं, हम लोग को बोला डायरेक्ट लुधियाना जाएगा। बिहार से चले हुए पंजाब जा रहे हैं क्योंकि वहाँ अब जो फसल है वो तैयार हो गई और मंडी में अब इनको काम मिलेगा। और यही वजह है कि सिर्फ ना कि सिर्फ बिहार से, दिल्ली में भी जो मजदूर काम कर रहे थे या तो वापस अपने घर जा रहे हैं या फिर पंजाब की तरफ पलायन कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? हम भी तो मंडी जा रहे हैं, अनाज मंडी जा रहे हैं पंजाब में जी। दिल्ली में हम लोग को पता ही नहीं है जो कहाँ काम करे, या कोई हम लोग का नया ठिकाना नहीं है दिल्ली में, इसलिए पंजाब में ठिकाना है। हम लोग हर एक साल जाते हैं पंजाब, और पंजाब मंडी अभी भी जा रहे हैं पंजाबी मंडी। हमको तो यहाँ बस वाला दिल्ली में ला करके छोड़ दिया है। लेकिन कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर डर नहीं है कि कहीं फिर से लॉकडाउन लग गया, पिछले साल वाले हालात हो गए, कुछ ऐसा नहीं चल रहा मन में? मन में तो है, आखिर करेंगे क्या, मजबूरी है हमारे पास। मन में तो सब कुछ जानते हैं जो कोरोना का लहर चल रहा है, लेकिन मजबूरी तो ले जा रहा है ना। जानते हैं कोरोना की लहर है, लेकिन मजबूरी है, गरीबी है, क्या करें। आपसे जानना चाहूँगा भैया, इतनी दूर से आप आ रहे हैं बिहार से काम की तलाश में, डर नहीं लग रहा क्योंकि कोरोना कितना बढ़ चुका है? कोई डर नहीं लगता है, कितना कोरोना है कितना नहीं है वो डर रखेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हाँ, जब बिहार में भूखे आएगा तो किसी तरह से तो काम खोज के तो खाएंगे। आप बता रहे थे कि 10 तारीख को चले थे, हाँ। 2-3 दिन से खाना पीना कैसे होगा, कैसे रहेगा, ऐसे भूखे चल दिए हैं, पेट के रिजा बुझा के चल दिए हैं, क्या करेंगे। गरीब बंदा का भूखे नहीं चलेगा तो अनाज मिलेगा तब तो। जो बस का एजेंट था झूठ बोलकर पहले दिल्ली ले आया और अब फिर अब यहाँ से पंजाब लेकर जाएगा। हर साल जाते हैं पंजाब ऐसे काम की तलाश में? हर जाते हैं, हर साल में हर जाते हैं पंजाब गोहन मंडी। मंडी में काम मिलता है वहाँ? हाँ, सब दिन। यहाँ दिल्ली से भी आपके साथी सब पहुँच जाते हैं वहाँ? दिल्ली में आया तो बोला लुधियाना जाएगा तो दिल्ली में उतार दिया। बड़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और दिल्ली के अलग अलग इलाकों से भी अब जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पंजाब की तरफ जो मजदूर हैं उन्होंने अब अपना पलायन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पंजाब के अंदर फसलें भी तैयार है, मंडी में काम भी अच्छा मिल रहा है, और दिल्ली की तरह अभी हालात बेहद खतरनाक नहीं है। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ वरुण जैन, ABP न्यूज़ दिल्ली। We'll be right back.
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।